उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। विवाहिता और उसके प्रेमी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आगरा में शुक्रवार को सनसनी खेज घटना के तहत विवाहिता और उसके प्रेमी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। थाना अस्पताल क्षेत्र के सुशील नगर स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी में विवाहिता से मिलने आए प्रेमी को परिवार के लोगों ने पकड़ लिया। दोनों को पीट पीट कर मार डाला। विवाहिता का सब घर की चौखट के पास, जबकि प्रेमी का सब गली में पड़ा मिला। दोहरे हत्याकांड की जानकारी होते ही एडीजी राजीव कृष्ण, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह और एसपी सिटी विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के अनुसार प्रेमी का नाम 22 वर्षीय शिवम सिसोदिया पुत्र हरवीर सिसोदिया निवासी मोहल्ला नयाबास अचनेरा, वहीं विवाहिता का नाम पूजा पत्नी गौरव निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी सुशील नगर है। पुलिस के अनुसार पूजा की शादी गौरव से 7 वर्ष पहले हुई थी। पूजा का मायका सैया के गाँव खड़िया का, उसका पति गौरव अचनेरा का रहने वाला है। वहीं शिवम सिसोदिया उसके दूर का रिश्तेदार है। शिवम का गौरव के घर पर आना जाना था, इसी दौरान दोनों के बीच घनिष्ठता हो गई, जिसकी जानकारी परिवार के लोगों को भी हो गई थी। गौरव और उसके परिवार के लोगों ने उसके संबंधों का विरोध किया। इसके बावजूद शिवम और पूजा से मिलना जुलना भी बंद किया। शुक्रवार को पूजा से मिलने के लिए शिवम उसके घर पर आया था। गौरव उसके परिवार के लोगों ने दोनों को साथ में देख लिया। उन्होंने पूजा और शिवम को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पूजा और शिवम ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया। परिवार के लोगों ने पूजा को दरवाजे की चौखट के पास गिरा लिया। उसे डंडों से बुरी तरह पीटा गया। वहीं शिवम को गली के मोड़ पर घेर कर जमीन पर गिराने के बाद डंडों से तब तक पीटा गया। दोनों को तब तक पीटते रहे जब तक उन्होंने दम तोड़ नहीं दिया। घटना के बाद हमलावर मां से भाग गए। बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा दोनों की पिटाई करते बस्ती के लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। करीब आधा घंटे तक पूरा प्रकरण चलता रहा। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। जब तक वह मौके पर पहुंची, शिवम और पूजा की मौत हो चुकी। दोहरे हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई है। माल लेके आओ है, इनकी पता है जाने का के तो यहाँ से फोन करो है, कैसे का है जाने का के तो फोन करो है, तुरंत ही माल रख के घर पे आए के नहीं मोते करो मेरी बेटा कहाँ जा रहा है, तो मोर मौसा बुला रही है पीछे। फोन किसने किया था? अब जी वो माल बनाने अब इसे बहने करो है, बेटा ने करो है, बाप ने करो है, और कहते करवाओ है। तो बुलाया इसको? बुलाया है इसको, बुला के तुरंत ही आया है। जहाँ पे एक को फोन करो लड़का को कैसे वो की लड़ाई है ये, और काट के डाल दो वो वहाँ पे काटो है जी, यहाँ पे काटे दोनों मोबाइल में होगा बेटा, मोबाइल बाबा छोटे को तो ये पकड़े गए लोग। बेटा भाग गए, बेटा के सीधे भाग गए। कोई पुरानी दुश्मनी? कोई पुरानी दुश्मनी है? दुश्मनी है, पुरानी रंजिश चल रही है, यही चांदी के काम के ही ऊपर आई पुरानी है। ये दो चार बजे रिश्ते लेके आ रही है। चांदी का काम करते थे? चांदी को जेवी करते, चांदी को हम करते हैं, ये रिश्ता लेके आ रही है। तो जाने सिखाई क्या हम जाके परका दुबे के काज रिश्ता लेके आ रहे हैं, लेकिन ये हम बर्बाद कर देंगे। और दो लोग लास्ट को यहाँ पे गए, दो और हुए। सुशील नगर में एक दोहरे मर्डर की घटना हुई है, क्या है मामला? ये थाना एतमाद दौला का सुशील नगर है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक शादीशुदा युवती, जो युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे, और उसका तथाकथित प्रेमी, उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर पति और जो उसका ससुर है, उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है इस केस में, और उनके द्वारा जो आला कतल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिर पे मारे थे वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि बताया गया है, ये जो मृतक है ये इसकी युवती का निकट का रिश्तेदार था, और इसके उनसे कुछ प्रेम संबंध थे शादीशुदा व्यक्ति से, जिसे उसके घर वालों को पसंद नहीं था, और उसी कारण ये मर्डर किया गया। सर, क्या कि दोनों जब ये हत्या हुई तो ये घर में मिले थे दोनों? जो जैसा कि हत्या के बाद का सीन है, उसमें निश्चित रूप से यह है कि जो युवती का घर था, ससुराल थी, उसके अंदर दोनों की हत्या की गई है। तो युवक इनके घर में आया था, और वहीं पर जो इसे ससुराल वाले हैं उन्हें ऑब्जेक्शन भी लगा, और उनके द्वारा इनके दोनों का मर्डर किया गया। हत्या को कारित करने वाले को गिरफ्तार किया गया? हत्या के जो कारित करने वाले तीनों लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, आला कतल बरामद किया गया, पूछताछ की जा रही है, और बाकी वैधानिक कार्रवाई।